नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MFL इंडिया लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में काफी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी वो टाइम आ चुका है जहां से यह कंपनी यू टर्न भी लेने वाला है। जल्दी इस कंपनी में आपको लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिख जाएगा। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे करना है उसकी बात करेंगे। जो लोग फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करेंट प्राइस पे बाई करना चाहिए या फिर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, और जब ये इस कंपनी में करेक्शन आ जाए उसके बाद आपको बाई करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इसमें हमने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर डेली चार्ट में इस कंपनी के लेवल्स की बात करें तो इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था वो 50 पैसे के पास का हुआ करता था। कंपनी जस्ट दो बार उसी लेवल में रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से नीचे आ चुका था, लेकिन इस बार इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला और कंपनी उस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल गया था। और इस टाइम यह कंपनी आपको 85 पैसे के पास देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस कंपनी का RSI आप देखेंगे 94 पहुंच चुका है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते अब इसके आगे, वो चाहे तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो चाहे तो 50-50 कर सकते हैं। 50% आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और आगे का 50% आगे के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप टाइम से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे और यह शेयर यू टर्न ले लेता है तो आपका बना बनाया प्रॉफिट खत्म हो जाएगा या फिर आप लॉस में भी इंटर कर जाएंगे। इसीलिए आपको टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल भी पैनिक न करें। अगर इस कंपनी में गिरावट आती भी है तो नीचे प्राइस पर आप चाहें तो एवरेज भी करके चल सकते हैं। जो लोग फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं इस कंपनी में, पहले एक करेक्शन आ जाने दें, उसके बाद आप इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 60 पैसे का पहला लेवल देखने को मिलेगा। कंपनी अगर यहां पर रुकता है तो ठीक है, अदरवाइज यह कंपनी अगेन 50 पैसे के पास जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो वहां पर भी इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।